नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। आज ही के दिन 25 साल पहले एक कोचिंग की शुरुआत 6 बच्चों से हुई थी पटना में, और वो कोचिंग आज पूरे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो बिहार के कई ऐसे राज्यों में फैल चुका है। और ये कोचिंग करतार कोचिंग सेंटर है जिसका कार्यक्रम आज हो रहा है 25वीं सालगिरह को लेकर। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, संजय झा जो बिहार सरकार में मंत्री है, वो यहाँ पहुँचे हैं। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम को यहाँ किया जा रहा है। और 25 साल पूरा होने पर तमाम यहाँ गणमान्य नेता मौजूद हैं, चाहे हम बात करें बिहार सरकार के मंत्री हो संजय झा हो या बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हो, तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए। आप ये वीडियो देखिए क्या कुछ कर रहे हैं कोचिंग के ऑर्गेनाइजर्स। होता है सिल्वर जुबली मना रहे हैं करतार कोचिंग सेंटर का, जो 6 बच्चों से स्टार्ट किया था यहाँ का जर्नी, और आज बिहार में 7,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की एकमात्र, यदि बिहार की नहीं हम कहेंगे पूरे भारत की एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूशंस है जिसमें डिफेंस सर्विसेज के लिए यहाँ से तकरीबन 25 सालों में 15,000 से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं और एयरफोर्स और नेवी जैसे क्षेत्र में गए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। तो और इसके साथ साथ बैंक, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन और रेलवे जैसे एग्जामिनेशंस में भरपूर मात्रा में यहाँ से बच्चे गए हैं। और आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने सक्सेसफुल तरीके से 25 साल को मनाया, और कोरोना रूपी पैंडमिक भी हमारे बच्चों को पढ़ाने में रोक नहीं पाया, और हमारे बच्चे इस कोरोना में भी पढ़ते रहे। और आज आप सब लोगों के शुभकामना और आशीर्वाद के बदौलत आज सक्सेसफुल 25 साल हम सब लोग मना रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ऐसा देखा कि बिहार में ज़रूरत है लोगों को नौकरी करने के लिए, तो बहुत सारा मैंने देखा कि गरीबी की वजह से बहुत सारे बच्चे हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे मैं अदर्स शहर में जा रहा हूँ जहाँ पर बच्चे को ज़्यादा खर्च ना हो, और वहाँ पर हम बच्चों को कम पैसों में पढ़ा करके उनको देश की सेवा के लिए निवृत्त कर पाए। तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपने कोचिंग के बारे में बताया, किस तरीके से उन्होंने 6 बच्चों से इस कोचिंग की शुरुआत की थी, और आने वाले दिनों में अब बिहार सहित देश के अन्य हिस्सों में इसका जो ब्रांचेस हैं खुल चुके हैं, और देश में करतार कोचिंग के माध्यम से लगभग 25,000 लोग अपने सर्विसेज में ज्वाइन कर चुके हैं, डिफेंस सर्विसेज में ज्वाइन कर चुके हैं, जिसका जिक्र उन्होंने किया है सीधे तौर पे। आपको बता दें कि यह कोचिंग पटना सहित बिहार के बाहर भी कई राज्यों में है, और आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पढ़ता रहूँ। इस तरह से बच्चों को पढ़ाया गया, प्रारंभिक दिन था, मेहनत तो करना ही था, लेकिन इस मेहनत का परिणाम ये हुआ कि रिजल्ट बहुत बहुत ही प्रिय स्वतंत्र राम अमृत मंत्र राम प्रिय स्वतंत्र राम।